सकता है। मुतासर इलाके से नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है। ताजा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज नईम इकबाल से। नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा सियालकोट के नाले के हवाले से। जी मैं आपको बताऊं कि नाला डेक जो है वो बरसाती नाला जो कि मकरूजा जम्मू कश्मीर से आता है, तहसील बसूर के इलाके से गुजरता है, यहाँ जो है इसमें जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये पानी की मिकदार में भी जो इजाफा हो रहा है 26,888 क्यूसिक जो है वो पानी है और ये जो है इसके किनारों से भी बाहर निकल आ चुका है, जो कि दर्जनों देहातों में भी जो है वो दाखिल हो चुका है और अभी तक इंतजामिया की तरफ से जो है वो मौसर इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से हजारों लोग जो है वो इस पानी में फंसे हुए हैं। दूसरी जगह जो है वो दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है और इस वक्त जो है वो यहाँ पानी का आमद जो है वो हैगमला के मुकाम पे 1,47,072 क्यूसिक पानी है और 1,18,902 क्यूसिक जो है इसका खराज हो रहा है। दूसरी जानब जो है वो मकबूला कश्मीर से ही आने वाले दरियाए जम्मू तवी में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 1,18,272 क्यूसिक पानी जो है वो है और दूसरा इसके साथ ही से एक नाला कोंग गुजरता है जिसमें भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इनका पानी बाहर निकलने की वजह से जो है वो चुमिया समेत जो है मुतद्दद देहात जो है वो जेरे आब आए हैं और अभी इंतजामिया जो है वहाँ अमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर रही है और इसके बाद ही जो मजीद सूरत डेवलप होगी उसके मुताबिक जो है वो देखा जाएगा कितना नुकसान हुआ है। जी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। नईम इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।